इंसाफियो 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। मैं जॉन कोटली, अज जिहड़ी मीटिंग रखी गई है ये मणिपुर की जिहड़ी मंदभागी घटना होई है, क्योंकि अज 90 दिन हो गए है उस सरकार दे कान ते जूनी सरकी जिहड़ा कि वैश्यत दा नंगा नाच किया गया है, जिहदे च साडियां दो भैणां नूं निरवस्त्र करके जिहड़ा नंगन अवस्था दे विच घमाया गया, उन्हां दी इज्जत नूं तार तार किया गया। इत्थे बस स्टैंड समूहिक बलात्कार करन दे बाद उन्हूं कतल जिहड़ा करके मौत दे घाट वी उतार दिता गया। सो मैं अज धन्नवादी हाँ सारे भाईचारिआं दे, चाहे वह साडा हिंदू भाईचारा होवे, चाहे सिख भाईचारा होवे, चाहे मुस्लिम भाईचारा होवे, विशेष तौर पर वाल्मीकि भाईचारे जिहड़े अहुदेदार साहिबान ने सारे ही एक मंच ते आए ने, और इस समय दी सानू बहुत सालों तो जिहड़ी सी साडी डिमांड सी और एक दिल दी चाहत सीगी कि वाल्मीकि भाईचारा साडा सिख भाईचारा मजहबी सिख भाईचारा मुस्लिम भाईचारा एक मंच ते आईए। सो ये अज असीं समझदे हां कि साडी बहुत वड्डी प्राप्ति है कि असीं एक मंच ते इकट्ठे होए हां, क्योंकि जिते कि धक्का होंगे चाहे वह बेटी किसी भी समाज की होवे, मनोरिटी की होवे, चाहे किसी की भी होवे, लेकिन जो भी होया बहुत मंदभागा होया, इसलिए वो रोस प्रदर्शन वजो 9 तरीक नूं पंजाब बंद करने वास्ते समुचे भाईचारे असं धन्यवाद करते हैं, और ये जो बंद होएगा ये पूर्ण तौर पर बंद होएगा और पूरी ताकत इस बंद करा के इंसाफ की मांग की जाऊ। 9 तरीक की बंद जी पंजाब बंद की कॉल की तैयारियां हो रही है जी, 9 साल तो एक काला इतिहास चल रहा है, वो खिलाफ़ अज एक इतिहासिक दिन हैगा, समूह भाईचारा जिहड़ा वा जात पंथ विश्वास धर्म तो उठ के अज एक मंच ते इकट्ठा होया, सैवंथ डे एडवेंटिस चर्च ते जॉन कोटली जी, वड़े वीर रोहित खोखर जी और समूह भाईचारा अज एक झंडे थले इकट्ठा होया कि इस बाबरी निजाम के खिलाफ़ जंग लड़नी पेगी और कितना कितने जागदी जमीरों को संघर्ष करना पेगा। जेंडर बेस्ड टारगेट किया जा रहा मणिपुर के 3 महीने तो वायलेंस हो रही है और जो वीडियो वायरल हुई उदों ही कितने जाके गूंगी बहरियां सरकारां कितने जागियां, पर अज भी जिहड़ियां सड़कां ते लाशां पईयां होईयां और धीआं दे नाल जो बेपती हुई है उहदे खिलाफ़ एक वड्डी आवाज़ जिहड़ी है पंजाब तो निकलेगी और 9 तरीक नूं पंजाब बंद होगा। सर्वसम्मति यह फैसला होया, समूह भाईचारे का दिलों धन्नवाद आ। जय भीम जय संविधान। सर जिवें कि घट गिणतियां ते आए दिन ही जिहड़ा बहुजन समाज ते जिहड़ा हल्ला हो रहा उसका की कारण? सब तो बड़ा कारण है जी कि मनुवादी निजाम पिछले 9 सालों तो एक कोशिश हैगी है कि वर्ण व्यवस्था वाल पुरानी मनु समृति वाल ले जाया जा सके, जिहड़ा कहिंदी है डोल गवार शुद्र पशु नारी सगल ताड़न के अधिकारी, ना इन्हां नूं शुद्र पसंद है, ना इन्हां नूं घट गिनती पसंद है, तो ना नारी का विकास हुंदा होया पसंद है, और यह हिंदुस्तान बनता जा रहा है मुल्क। बाबा साहब की सोच जी 26 जनवरी 1950 नूं भारत ते इंडिया वाली सी सैकुलर सी, पर हुण मुल्क शायद सैकुलर रहा नहीं है, पर सानू महसूस हो नहीं रहा कुछ वड्डा हो जाए उस तो पहला जागीए, जे 2024 तो बाद भी यह निजाम रहिंदा वा तो फिर समझ के चलो कि संविधान रहेगा नहीं और पुरानी वर्ण व्यवस्था जिहड़ी आ उहदे लई आपां तैयार रहीए। जिवें कि मान लो जिवें तुसीं 9 नूं पंजाब बंद दी कॉल दे रहे जे, अगर ओह फिर भी नहीं सरकार कोई सुनवाई करदी तां फिर तुहाडा अगला स्टैप की होएगा? देखो 6-8 महीने वैसे इलैक्शन नूं रह गए आ और जागदी जमीरां जिहड़ियां वा 5 साल दा वेट नहीं करदियां कि उंगल ते शाही ला के आपां सरकार बदलांगे, वह पहलां संघर्ष करदियां वा। अपना काम हैगा सिर्फ सड़क नूं आबाद करना, कितें ना कितें संघर्ष की आवाज़ चकनी, यह नहीं हो सकता कि मणिपुर के किसी हिस्से च हरियाणे च गुजरात च जिहड़ा भगवा ब्रिगेड आतंक फैलाया जा रहा होवे ते आपां खामोश रहिए, आपां खामोश नहीं रह सकते, साडे कोल चॉइस कोई हैगी नहीं है, साडा काम आ मौके दी सरकारां नूं अपनी आवाज़ रखनी और वो आपां 9 तरीक नूं अपना हक एक्सरसाइज करांगे आर्टिकल 19 जिहड़ा सानूं हक दिंदा कि फ्रीडम ऑफ मोबिलाइज एजिटेशन दा।